हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी एंड सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2022 का है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सार संग्रह के क्वेश्चन को। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में। तो पहला है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में विभाजित किस संगीति में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष असुगोस थे। अगला, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। अगला है, 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है जाबलोफ निषद में। अगला है, किस इमारत में पीटर ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इत्मादुद्दौला का मकबरा। अगला, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। हीर विजय सूरी। अगला है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो मिस्र का। अगला है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। तो तीवर। अगला है, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था की आरंभ की है। इल्तुतमिश। अगला है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिक तत्व का अंकन मिलता है। तो कन्हेरी। अगला है, फ्रांसिस्को प्लैटनर्स ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। जहांगीर के शासनकाल में। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीति, यह कथन किसका था। तो मौलाना आजाद का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन 1919। काला विधेयक किसे कहा जाता है। तो रॉबर्ट बिल को। अगला है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। खली कुजमा। अगला है, साइमन कमीशन को भारत ने 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। स्टेनली ब्लैडविन। अगला, वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया जो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। अगला, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकारों के संबंधों के पूर्ण परीक्षण और परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था। बटलर समिति। अगला, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो 1908 में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रसार के लिए शुरू किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। इसमें टॉपिक पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। 69वां संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया है। तो अनुच्छेद 330। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। अनुच्छेद 15(2). अगला, भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया। 1963। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट मिले। अगला, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 14। अगला, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अगला, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान के सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला, राज्य में नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला, किस सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा के। अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन सा देश है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो शुक्र। अगला है, व्यंजा निर्जातीय समूह पाया जाता है। तो मिस्र में। डांगर बैग जो महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है किस सागर में स्थित है। तो उत्तर सागर में। अगला, किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अगला, किस नदी का उपयोग ओलिव रिजले कछुआ अंडे देने करते हैं। तो देवी नदी महानदी का एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा से बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
अगला है कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल का झील है सुपीरियर झील। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा हुआ रेखा है जहाँ वह स्थिर बिंदु पृथ्वी पर स्थित होती है, जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई नाप की जाती है। अगला, अपने अक्ष पर पृथ्वी की एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। कुगटी वन पशु बिहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्री शैलम आंध्र प्रदेश। उमियान झील या बारा पानी झील किस प्रदेश में है? तो मेघालय। अगला, नाचने वाला हिरण भारत में किस प्रदेश में पाया जाता है? मणिपुर। नाचने वाला हिरण का असली नाम सानगाई हिरण है, जो कि मणिपुर के कोइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत में किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है। अगला है, भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसमें सीमा प्रवाल वीतिया, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी है, स्थापित किया गया है चिल्का झील में। अगला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? किम्बुल मजाजो नेशनल पार्क, मणिपुर। अगला हम लोग देख सकते हैं किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अनीज नेस ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संगठन है? तो जीव संरक्षण। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 उपस्थिति से क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है टेबल एवं अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्वेश्चन है, टेबल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति व्यक्ति आय। अगला, रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP है। अगला, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति होती है? तो निगम कर। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए घाटा वित्त पोषण में। अगला, मुद्रा अवमूलन भुगतान घाटे में संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। अगला है, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत और कीमत आयोग। अगला है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है, मुद्रा संकुचन एवं अवस्थिति। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? क्रूड ऑयल। अगला, राजस्व तटस्थ दर RNR भारत में किस कर का एक घटक है? तो GST का। अगला टॉपिक है समान विज्ञान तकनीकी से, इसमें पहला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आयरिस। कृत्रिम वर्षा और मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ। अगला, शिल्प एनीडिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए सांस बाधित होता रहता है। अगला है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल होगा। अगला है, यदि दो सदिशों को परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का द्वारा दर्शाया जाए तो उसकी परिणामी सदिश को त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है तो इसको कहा जाता है सदिशों का त्रिभुजीय नियम। अगला है, नर एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया नहीं फैल सकता क्यों? क्योंकि यह पादप रसों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मानव रक्त का नहीं। अगला क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुटकाना उद्र ऊपर की ओर से उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुटकाने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उसमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। अगला है, एनीमोमीटर मापी जाती है तो वायु की गति।
लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गलनीकरण कहते हैं। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो स्कीमा अवधारणाएं। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और वह मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना से किस अवस्था से अंतर्गत आएगा? तो सामाजिक अनुबंध अनुमुखीकरण। अगला है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित है? व्यवस्थापक, अग्राहक और अनुक्रिया। अगला है, चार से पाँच वर्ग के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक में व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? ओल्पिट्स कॉलिप्स। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है व्यक्तित्वमापन की प्रक्षेपी तकनीकी। अगला है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अनेक बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में भूमिका विद्यालय की भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? लेव वाइगोत्स्की। अगला है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यधिक ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारागार नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थी की क्षमता से अधिक ऊंचा है। अगला है, पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है? तो अनुकूलन। अगला, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और व्यक्त और अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता में बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अगला हम लोग देख सकते हैं संप्रेषण और संचार। पहला क्वेश्चन है, संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? तो समाज और सामाजिक संरचना। अगला है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह कहलाता है अंतर्व्यक्तिक संचार। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? नकारात्मक संप्रेषण माध्यम है। संप्रेषण संजालों में से किस में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य के में ही संप्रेषण कर सकता है? श्रृंखला संजाल। अगला है, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है? तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए। अगला है, जब व्यक्ति एक अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। एनकोडिंग चैनल और डिकोडिंग के सिद्धांत के बुनियादी घातक है संचार सिद्धांत के। जन प्रवाद गेवनिंग संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्दत किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों में स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। कालिक संप्रेषण का अध्ययन किया जाता है कोनोमिक्स के रूप में। प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निदेशक जारी रखना किस प्रकार का संप्रेषण है? अधोगामी संप्रेषण। अगला टॉपिक है खेलकूद। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का समाप्ति कितनी होती है? तो 90 मिनट। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में। 2021 में आयोजित किस ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो 32वां। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारतोलन। ओलंपिक में स्वर्ण पदक सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1968 मैक्सिको सिटी। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4। अगला टॉपिक है कृषि, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पौधे पर कैल्शियम की कमी से लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे के पत्तियों पर। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो भैंस की। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं टोंगिया प्रणाली। उस कृषि को गया कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं, मिश्रित कृषि। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण है? फफूंदी। दलहन फसलों में कौन सा रंगद्रव पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लिगेनो हेमोग्लोबिन। पोमोलॉजी के अध्ययन करते हैं फलों का। किसे मानव उत्पादक धान अन्न मेड क्रिसरियल
कहा जाता है तो ट्रिटिकल्स। निषेचन के बिना फल का विकास को कहते हैं पार्थेनोकार्प। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है तो एडोसल्फोन। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से एमएस वर्ल्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। अगला है इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं तो डोमेन। क्रोम सफारी और आपेरा ये सभी कारक हैं वेब विचरण वेब ब्राउजर्स का। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस बी का। अगला बैंकों के चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निवेश तकनीक का प्रयोग करते हैं तो MICR का। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस बी का। अगला सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। अगला वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं साथ ही हार्ड डिस्क के बूस्ट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं क्या कहलाते हैं वायरस। अगला मदरबोर्ड की जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं एक्सप्रेशन स्लॉट। अगला सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है कंपाइलर। अगला टॉपिक है विविध, इसमें पहला क्वेश्चन है दशहर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला है गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का सुमित्रा नंदन पद। थीपूस त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तमिल। अगला है बाउल परंपरा में जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल के मृतक गायकों के एक समूह हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं अमीर खुसरो। अगला है वेदांतम सत्यनारायण किस नेत्र के सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं कुचिपुरी। दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया कादरे को। अगला निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया दादू दयाल ने। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। तीराचार्य उपेंद्र महारथी का पुस्तक वेणु सब शिल्प का समर्थ किस कला से है तो बांस कला से है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।